नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन की यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी का, ये आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी का आज थर्ड पार्ट है, ठीक है। जो आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, आपकी परिभाषा उद्देश्य और विद्या हमें पढ़नी थी, जिसमें से हमने परिभाषा भी पढ़ ली, उसका उद्देश्य भी पढ़ लिया, अब विद्या पढ़नी है। उन विद्याओं में हमने जो आपके क्रियाएं की जाती है पादप प्रजनन में, उन क्रियाओं को हमने पिछले पार्ट में देखा था कौन कौन सी। एक तो विविधता, विविधता के बाद में उनका क्या किया जाता है चयन, और चयन करने के बाद में उनका मूल्यांकन, और मूल्यांकन करने के बाद में गुणन, और गुणन करने के बाद में उनका क्या किया जाता है वितरण किया जाता है। ये सारी प्रोसेस हमने पढ़ ली थी, ठीक है। अब विविधता में हमने अलग अलग पॉइंट पढ़े थे आपके, कि जैसे कि ग्रामीण पादप प्रजनन की जो आपके जनन द्रव्य वाला पॉइंट था, इसके अलावा पादप पुनर्स्थापन था, संकरण की प्रोसेस थी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की प्रोसेस थी, जनन द्रव्य की प्रोसेस थी। इन सारी प्रोसेस को हम अब एक एक विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को। तो सबसे पहला हम जो पॉइंट लेने जा रहे हैं आपके, तो वो पॉइंट है आपके ग्रामीण के बारे में, डोमेस्टिकेशन के बारे में। किसके बारे में? ग्रामीण के बारे में। अब देखो इस ग्रामीण में आपको क्या याद रखना है, कि ग्रामीण की परिभाषा मैंने उस दिन बताई थी कि ग्रामीण मतलब क्या होता है, कि जो जंगली प्रजातियां है, जो आपके जंगली जंगली प्रजातियां है, उन जंगली प्रजातियों को जंगली प्रजातियों को खेती के काम में लाना, खेती के काम में लाना, ये आपके प्रोसेस क्या कहलाती है? ग्रामीण कहलाती है। अगर मान लो कोई फसल खेत में पहले, तो अब तो हम खेत में उगा रहे हैं, पर उस फसल को हम पहले काम पे उगा रहे थे, जंगल में उग रही थी, तभी तो उस जंगल को जो फसल उग रही थी जंगल में, उस फसल को जंगल से काम पे लेके आए खेत में, तो जैसे कि वो जंगल में उग रही थी उस समय, तो उसमें उसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा था उस फसल की, तो देखभाल नहीं कर रहा था तो वो फसल क्या करेगी, अपने आप में एक बड़ा स्थान घेरेगी, है ना। और जैसे हमने खेत में उगाया उसको, तो हमने उसकी देख रेख की, अच्छे से पानी दिया उनको, अच्छे से खाद उर्वरक दिए, जिससे क्या हुआ कि उससे उत्पादन भी हमें अच्छा प्राप्त हुआ, और उसका विसरण मतलब जो फैलाव क्षेत्र है वो भी क्या हो गया आपके कम हो गया। तो ग्रामीण के द्वारा क्या होता है आपके विसरण में क्या हुई है कमी हुई है, विसरण में क्या हुई है कमी हुई है। विसरण में कमी के साथ साथ जो आपके दानों का आकार था, जो दाने या बीज प्राप्त होते थे उन दानों के आकार में, या दानों का अमाप क्या हुआ आपके, दानों का अमाप में वृद्धि हुई, दानों के अमाप में क्या हुई वृद्धि हुई। किसके द्वारा हुई? ग्रामीण के द्वारा। क्यों? क्योंकि ग्रामीण में क्या करते थे, जंगली प्रजातियों को खेती के काम में लाना, जंगल में उग रही थी उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जैसे खेती में हम काम में लेने लगे तो हम उस पर तुरंत मतलब नियमित रूप से उसका ध्यान रखने लगे, पानी देने लगे, अच्छे से निराई गुड़ाई करने लगे, जिससे क्या हुआ आपके उसके विसरण में कमी हुई, मतलब उसका फैलाव क्षेत्र एक तो कम हो गया, कम स्थान घेरेगा वो खेत में, और इसके अलावा आपके दानों के अमाप में भी क्या हुई आपके वृद्धि हुई है। अब क्या है, जंगली प्रजातियों को हम क्या कर रहे हैं खेत में काम में ला रहे हैं, इसके पीछे कोई तो रीजन होगा कि हम उसको खेत में काम में ला रहे हैं। तो इसके पीछे जो रीजन है वो दो कारण है, कि आपके ग्रामीण के आधार पर जो फसलों का चयन किया जाता है वो आपके दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो। एक तो होता आपके प्राकृतिक चयन, एक होता आपके दूसरा ध्यान रखना कृत्रिम चयन। क्या होता है? कृत्रिम चयन। एक तो प्राकृतिक चयन हो जाता है, दूसरा कौन सा हो जाता है? कृत्रिम चयन। अब यह क्या होता है भाई, प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन? अब देखो यहां पे आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो कि कहीं पर प्राकृतिक लिखा होता है, कहीं कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब प्रकृति के द्वारा, और कृत्रिम मतलब मानव द्वारा, ये तो आप नॉर्मल समझते ही हो, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। कहीं पर भी प्राकृतिक नाम आए तो आप किससे संबंधित करते हो उसको? प्रकृति से। और कहीं पर भी कृत्रिम नाम आ जाए तो आप किससे संबंधित करते हो? मानव से। तो मतलब क्या होता है कि प्राकृतिक चयन वह चयन होता है जिसका मेन कारण आपकी प्रकृति हो। प्रकृति क्यों? क्योंकि प्राकृतिक के जो घटनाएं होती है आपके, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा पड़ना, ये सारे किसके कारण होता है? प्राकृतिक अपने आप ही होता है प्रकृति के कारण। तो इसके कारण अगर आपके कोई भी प्राकृतिक कारण, यहां पे आपको ध्यान रखना, अगर चयन का कारण
चयन का कारण प्राकृतिक घटनाएं जैसे ध्यान रखना इसमें प्राकृतिक घटनाओं कौन कौन सी, जलवायु, बाढ़ या सूखा। अगर इसके कारण आपके प्राकृतिक चेन किया जाता है, इसके कारण जो चेन किया जाता है वो चेन आपके क्या कहलाता है, प्राकृतिक चेन कहलाता है। ठीक है, प्रकृति के कारण जो भी चेन किया जाता है वो प्राकृतिक चेन। अब मानव के कारण जो चेन किया जाता है वो आपकी कृत्रिम चेन, मतलब मानव क्या करता है, फसलों को काटता रहता है। अगर जंगल में है तो क्या करेगा, वो पेड़ पौधों को काटेगा, उनको नष्ट करेगा। तो उनसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उनका चेन कर लेते हैं, उनको हम खेती में काम में लाने लगते हैं, तो वो कौन सा कहलाता है, आपकी कृत्रिम चेन। मतलब अगर चेन का कारण, अगर मानव खुद हो तो वो चेन आपके कौन सा कहलाता है, कृत्रिम चेन। तो ग्रामीण के आधार पर जो चेन किया जाता है वो आपके दो प्रकार का, प्राकृतिक चेन और आपके कृत्रिम चेन। ये आपको इतना इसमें ध्यान रखना है, एक तो विसरण में कमी आती है और दानों के अमाप में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, फर्स्ट नंबर तो हमने उसमें पढ़ लिया विविधता वाला, जो फर्स्ट नंबर पॉइंट था ग्रामीण। अब जो सेकेंड नंबर जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट रहेगा हमारा जनन द्रव्य का टॉपिक। कौन सा रहेगा, जनन द्रव्य का। अब इस जनन द्रव्य में देखो क्या पढ़ते हैं और क्या होता है जनन द्रव्य। जनन द्रव्य की मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि किसी भी समूह का या प्रजाति का जो आनुवांशिक द्रव्य होता है, मतलब जिसमें आनुवांशिक सूचना निहित होती है, उस चीज को क्या कहते हैं, जनन द्रव्य कहते हैं, जर्म प्लाज्म कहते हैं। देखो सेकेंड नंबर पॉइंट क्या, आपके जनन द्रव्य या इसे कहते हैं जर्म प्लाज्म। इसकी परिभाषा आपको याद रखनी है, किसी भी वंश या समूह या प्रजाति लिख दो, किसी भी प्रजाति की आनुवांशिक द्रव्य के समूह को जनन द्रव्य कहा जाता है। यह हो गया आपके डेफिनेशन इसकी कि जनन द्रव्य क्या होता है। अब क्या होता है कि जनन द्रव्य में कुछ विशेष प्रकार के क्या होते हैं, जीन प्रारूप होते हैं। इसमें क्या होते हैं, आपके कुछ विशेष प्रकार के जीन प्रारूप होते हैं। जीन प्रारूप क्या होते हैं कि आपने देखा होगा कि जीन ये लक्षण आपने पढ़ा होगा मेंडल के बारे में, कभी छोटी क्लास में, टेंथ क्लास में, एट क्लास में, इसमें पढ़ा होगा कि मेंडल ने जो आपके नियम दिए थे वो आपके एक तो लक्षण प्रारूप पर आधारित, एक आपके जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप तो क्या होता है, उसकी बाहरी संरचना, और जीन प्रारूप क्या होती है, उसकी आंतरिक संरचना को हम ध्यान में रखते हैं। तो जो आपके जीन प्रारूप होते हैं, इन जीन प्रारूप के आधार पर हम इनमें परिवर्तन करके हम अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, वांछित उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं या वांछित परिवर्तन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वांछित परिवर्तन कर सकते हैं। वांछित मतलब हम अपनी इच्छा के अनुसार इनमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। किसमें, इस जनन द्रव्य के आधार पर। ठीक है, तो जनन द्रव्य के आधार पर हम वांछित परिवर्तन कर सकते हैं। भारत में एक ऐसी संस्था है जो आपके जनन द्रव्य को क्या रखती है, सुरक्षित रखती है, उसको एकत्रित करती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है, और वो संस्था कौन सी है, देखना। भारत में जनन द्रव्य को एकत्रित व संरक्षित करने वाली संस्था कौन सी संस्था है, NBPGR, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसर्च। इसको ध्यान में रखना और इसको नोट कर लेना आप इस बात को, ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना यहाँ पे, कौन सी संस्था आपके, NBPGR। NBPGR का देखो मैं पूरा नाम बता रहा हूँ यहाँ पे, NBPGR का पूरा नाम ध्यान में रखना, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसर्च। ये आपके NBPGR का पूरा नाम कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च, ये आपके NBPGR का पूरा नाम।
कार्य ध्यान में रखना क्या होता है, कार्य भारत में जनद्रव्य को एकत्रित व संरक्षित करने वाली संस्था कौन सी, आपके NBPGR संस्था है, ठीक है। NBPGR का मैंने पूरा नाम बता दिया, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च। अब आगे ध्यान में रखना कि आपके संस्था तो हो गई जनद्रव्य की, अब इस जनद्रव्य में कुछ विशेष शब्द आपको याद रखने हैं। क्या याद रखने, कुछ विशेष शब्द, और वो शब्द देखो मैं एक एक करके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। उन शब्दों को आप याद रखना यहाँ पे, सबसे पहला इसमें कुछ विशेष शब्द है, वो शब्द है एक तो आपके देसी किस्में। क्या है देसी किस्में, अब देखो यहाँ पे देसी किस्मों से क्या मतलब है। देसी किस्मों से यह मतलब है कि जो आपके इनका विकास तो एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, पर इनको लंबे समय से एक ही क्षेत्र में उगाया जाता है। अगर एक ही क्षेत्र में उगाया जाए तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब वह किस्में जिनका विकास योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है और लंबे समय से एक ही क्षेत्र में उगाया जाता है, ये आपके क्या हो जाएगा, देसी किस्में, ठीक है। अब दूसरा जो वर्ड आता है वो होता है आपका पुरानी अप्रचलित किस्में। दूसरा वर्ड क्या होता है आपका, पुरानी अप्रचलित किस्में। अब ध्यान में रखना पुरानी अप्रचलित किस्में, देखो इसमें नाम क्या आ रहा है, पुरानी अप्रचलित किस्में मतलब क्या है यहाँ पे, अप्रचलित किस्मों से मतलब क्या है कि वह किस्में जो आपके पुराने टाइम में एकदम अच्छे ढंग से उनको उगाया जाता था, पर अब उनका प्रचलन नहीं है, अब वो क्या हो गई, बंद हो गई किस्में, वो कौन सी किस्में कहलाती है आपके, पुरानी अप्रचलित किस्में। वह किस्में जिनको वर्तमान में नहीं उगाया जाता है, वो आपके क्या कहलाती है, पुरानी अप्रचलित किस्में कहलाती है। अगला पॉइंट आता है आप ध्यान में रखना कि जनन जो आपकी खेती के काम में आने वाली किस्में, बस इसको नाम याद रख लेना, खेती के काम में आने वाली किस्में। फोर्थ नंबर पॉइंट इसमें आप ध्यान में रखना कि जो प्रजनन लाइनें इनको भी ध्यान में रखना, ठीक है। ये आपको इतने वर्ड इसके अंतर्गत ध्यान में रखने, किसमें आपको, इस जननद्रव्य में विशेष प्रकार के वर्ड है, इनको आप याद रखना। अगली हेडिंग होती है हमारी, वो हेडिंग होती है उसमें ध्यान रखना कि जननद्रव्य का वर्गीकरण किया गया, क्या किया गया, जननद्रव्य का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का मतलब क्या है, जो ग्रामीण के आधार पर, ग्रामीण हमने पढ़ा था अभी कि जो जंगली प्रजातियाँ उनको हमारे काम में लाना, खेती के काम में लाना, वो आपके क्या कहलाता है, ग्रामीण कहलाता है। और इस ग्रामीण के आधार पर जननद्रव्य का वर्गीकरण किया गया, वो आपके दो प्रकार का होता है। अब देखो यहाँ पे मेन हेडिंग क्या है अगली, जननद्रव्य का वर्गीकरण। इसका मतलब क्या है, जननद्रव्य का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया, आपके ध्यान रखना ग्रामीण के आधार पर। किसके आधार पर, ग्रामीण के आधार पर। एक तो होता आपके कृषि जननद्रव्य, एक होता आपके जंगली जननद्रव्य। जिनको कृषि मतलब जिनको खेती में उगाया जाता है और जंगली जनद्रव्य मतलब जिनको जंगलों में उगाया जाता है, बस यही इनसे मतलब है और कोई मतलब नहीं। कृषि जनद्रव्य जिनको खेती में उगाया जाता है, जंगली जनद्रव्य जिनको जंगलों में उगाया जाता है। ये हो गया आपके ग्रामीण के आधार पर इनका वर्गीकरण, किसका, जनद्रव्य का। एक आता आपके उत्पत्ति के आधार पर जनद्रव्य का वर्गीकरण, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर
जनन द्रव्य का वर्गीकरण देखना, उत्पत्ति के आधार पर जनन द्रव्य का वर्गीकरण दो प्रकार से, एक तो होता है आपके देसी जनन द्रव्य, क्या कहलाते हैं, एक तो देसी जनन द्रव्य, एक होता आपके विदेशी जनन द्रव्य। मतलब उत्पत्ति के आधार पर जनन द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो देसी, एक होता है आपके विदेशी। आपने देखा होगा देसी किसे बोलते हैं, जो हमारे देश में रहता है, और जो बाहर से आकर रहता है दूसरे देश से उसे क्या बोलते हैं, विदेशी। तो ऐसा जनन द्रव्य जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, देसी से हमारे देश में, उत्पत्ति हमारे देश में, वो जनन द्रव्य आपके क्या कहलाता है, देसी। और जिनकी उत्पत्ति किसी और देश से, बाहरी देश से हुई है, भारत के अलावा किसी और देश से हुई है, वो आपका जनन द्रव्य कौन सा कहलाता है, विदेशी। उत्पत्ति किसी और देश से या देश से बाहर हुई है वो आपके जनन द्रव्य कौन सा कहलाता है, विदेशी जनन द्रव्य कहलाता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा कि जो आपके आनुवांशिक द्रव्य के बारे में हमने पढ़ लिया, ये जनन द्रव्य के बारे में एक हमारा टॉपिक रहता है अगला जीन कोष, और ये जीन कोष का जो टॉपिक है वो हम करेंगे आपके अगली क्लास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।